सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम योगी ने एक एक कर सुनी सबकी फरियाद, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। मत्स्य विभाग में डीजी की नियुक्ति का मामला, डीजी नियुक्ति पर बोले ओम प्रकाश राजभर, बेहतर काम के लिए अफसर बैठाए जा रहे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह साथ ही यूपी सरकार के कई मंत्री पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। अक्टूबर के महीने में कुल 8 दिन बंद रहेंगे बैंक के। माह में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर बंद रहेंगे बैंक, छुट्टी के दिन डिजिटल लेन देन की सुविधा रहेगी जारी। यूपी के 52,000 कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है, आज संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन, मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है ब्यौरा, आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो रुकेगी सैलरी। छह अक्टूबर को सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए जा सकते हैं सीएम, कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं 4 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज, हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में संशोधित अर्जी दाखिल की जाएगी जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। दोपहर 2 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन बेंच में होंगे सुनवाई। लखनऊ में बैसाकुंड बैकुंड धाम में लगे ये लिफ्ट, नगर निगम ने एसी प्रतीक्षालय बनाने की कवायद की तेज, मुख्य अभियंता ने बैकुंड धाम का किया सर्वे, शवदाह के लिए बनेंगे आधुनिक और ग्रीन प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, धान खरीद को मिली मंजूरी, कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से धान खरीद को मिली मंजूरी, प्रदेश में 70 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य, सामान्य धान की कीमत 2300 रुपये प्रति क्विंटल, 48 घंटे में किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने के भी निर्देश। मिर्जापुर के अहोगी गांव में पहुंचा 5 फीट का मगरमच्छ, डैम में पानी छोड़े जाने के बाद दिखाई दे रहे मगरमच्छ, आसपास के इलाके में नजर आ रहे मगरमच्छ, ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा, जलाशय में छोड़ा। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।